इस शेरनी के 5 बच्चे थे, जिसमें 4 बच्चे तंदुरुस्त और मजबूत थे और 5वां बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि माँ उसे दूध नहीं पिलाती थी। वह जब भी माँ के पास जाता तो माँ उस पर गुर्राती थी और उसे दूध पीने नहीं देती थी। अपने भाई बहन को दूध पिता देख वह भी दूध पीने के लिए आगे आता है, तभी माँ उठकर दूर जाती है। उसके भाई बहन भी उसके साथ नहीं खेलते थे, उसे वह अनदेखा करते थे। वह दूसरी बार दूध पीने की ट्राई करता है, लेकिन माँ फिर उसे अवॉइड करती है। इसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था यह भगवान ही जाने। शायद यह आखिरी बच्चा होने के कारण माँ ने यह मान लिया होगा कि यह कभी शेर की जिंदगी नहीं जी पाएगा। पूरी फैमिली आगे बढ़ने लगती है, वह भी उम्मीद के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगता है। उसकी फैमिली काफी दूर जाने पर भी वह हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे जैसे तैसे अपनी फैमिली के पास पहुंचता है। फैमिली फिर से आगे बढ़ने लगती है, इस बार इसका शरीर जवाब देने लगता है। उसे सीधा चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह खुद को संभालता है। इसके अंदर वह जज्बा वह जुनून अभी भी बाकी था। संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो ने इसके अंदर जीने की जो आग निर्माण की है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वह धीरे धीरे अपने माँ के पास पहुँचता है। माँ बाकी बच्चों को दूध पिला रही थी। वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो माँ उठकर दूर चलने लगती है। बच्चा इस बार टेंशन में आता है। वह मन ही मन सोचता है, साला जिंदगी कब तक मेरी ऐसे ही मारती रहेगी। जब भी बाकी बच्चे दूध पीने लगते तो वह बस दूर से देखता ही रहता था। वह मन ही मन बोलता होगा, माँ मुझे भी दूध पीना है, माँ इस बार भी दूध पीने देगी। ऐसा सोच के वह नजदीक आता है, पर माँ उसे दूर करती है। बेचारा बच्चा वही मुरझा के बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद तालाब आने पर फैमिली दूसरी ओर से तालाब के नजदीक जाकर बैठ जाती है। इधर बच्चा लेट पहुँचता है, उसे नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह ढलांग से उतरने की कोशिश कर रहा था, आगे तालाब में मगरमच्छ उसी का ही वेट कर रहा था। बच्चा इतना नादान है कि उसे इस खतरे का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। माँ को खतरे का अंदाजा होता है, वह बच्चे को आगे बढ़ने से मना करती है। इस बार उसके मन में बच्चे के प्रति प्यार की भावना निर्माण होती है, उसकी सोई हुई ममता जागती है। इधर बच्चा आगे बढ़ता है, तभी माँ उसके नजदीक आती है और उसे अपने मुंह में पकड़कर सेफ जगह ले जाने लगती है। आखिर बच्चा पानी पीकर अपनी थकान दूर करता है। बच्चा डरते हुए माँ के पास पहुँचता है। इस बार माँ उसे दूध पीने देती है। आखिर माँ को भी यह एहसास होता है कि बच्चे में जीने का जज्बा अभी भी बाकी है, वह भी एक अच्छे शेर की जिंदगी जी सकता है। कितने दिनों से भूखा यह बच्चा आखिर दूध पीकर राहत की सांस लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, आगे जो होगा उसे देख आप भी शौक हो जाओगे। फैमिली जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो बच्चा पीछे से धीरे धीरे चलने लगता है। अपने भाई को पीछे देख एक बच्चा उसके लिए रुकता है और उसके आने का वेट करने लगता है। तभी पूरी फैमिली इस बच्चे का वेट करने लगती है। आज पहली बार फैमिली ने बच्चे को एक्सेप्ट किया है और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।